शहद वहां गणेश व हाथी की मौत के मामले में तूल पकड़ता अब ये मामला जा रहा है। बीजेपी ने आरोप लगाते हुए कहा कि ये हाथी मरा नहीं है बल्कि उसे मारा गया है। वन विभाग को पहले से ही पता था कि ये हाथी गणेश ही है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि वन अमले ने हाथी से बदला लिया है, हाथी की हत्या पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस मीडिया विभाग के चेयरमैन शैलेश नितिन त्रिवेदी ने नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि सनसनीखेज बयान देना ठीक नहीं है, उनका बयान गरिमा के अनुरूप नहीं है। करंट से मृत्यु हुई तो इस बात को दर्शा रहा है कि कहीं न कहीं उसकी हत्या की गई है। अब इसके पीछे जो भी होंगे, जो भी साजिश होंगे, लेकिन इस गणेश हाथी को लेकर के कल सवेरे से लेकर के कि गणेश हाथी है कि नहीं है, इसको लेकर के गांव वाले बोल रहे थे कि हाथी गणेश हाथी है, अधिकारी बोल रहे थे कि उनके जो चिन्ह है वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो गणेश हाथी नहीं है। भाजपा विधायक दल के नेता धर्मलाल कौशिक द्वारा गणेश हाथी को लेकर लगाए गए आरोप पूरी तरीके से आधारहीन है, गलत है, असत्य है। भाजपा शासनकाल में इसी गणेश हाथी ने 18 से अधिक गांव वालों को कुचल के मारा है और गणेश हाथी की मौत की जांच सरकार के द्वारा की जा रही है।